लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। टेलीग्राम नो। बड़े भैया आपका टेलीग्राम। आयल, बड़े भैया का तार है तो बड़े भैया ही पढ़ेंगे, समझे? अरे बेटे, किसका तार है? बाबूजी, बंबई की कंस्ट्रक्शन कंपनी का इंटरव्यू कॉल है मेरे लिए। अच्छा, मेरा दिल कहता है बेटे ये नौकरी तुम्हें जरूर मिल जाएगी, देखते हैं। अरे कैसे नहीं मिलेगी नौकरी, मेरी दिन रात की पूजा बेकार थोड़ी जाएगी। देख लेना भैया, जाते ही हाथ जोड़कर कंपनी वाले नौकरी दे देंगे मेरे राजू को। गोविंद बोलो हरि गोपाल। देखो भैया, मैं तो तेरे तनख्वाह से मिल ही लूंगी। हाँ अरे एक क्या दो दो ला कर दूंगा, और वो भी इम्पोर्टेड वाली। बस आशीर्वाद चाहिए। भगवान सफल करें बेटे, जब अच्छे दिन आते हैं तो ऐसा ही होता है। संजू की नौकरी को आज एक महीना पूरा हो गया और तेरे इंटरव्यू का कॉल भी आ गया। अरे उस लफंगे संजू के साथ मेरे राजू का नाम ना जोड़ो भैया, मिट्टी का दिया लेके सूरज के सामने खड़े हो जाते हो। कहां इतना बड़ा इंजीनियर और कहां एक मामूली मैकेनिक। देख लेना, आज उसे पहली तनख्वाह मिलने वाली है। सारी तनख्वाह बोतल में डुबो देगा और डोलता हुआ आएगा आधी रात को। हाँ गाने की तो कुछ आगे बढ़ाओ। अरे क्या करेगा साला, सुई उधर ही चटकी ले। चल अभी आगे मैं आवा रहा हूँ। अरे कौन है मैं? ये लो साला, बीच सड़क में सीना जान क्या कर रहा है साला? रास्ता छोड़ के चला जाए। अरे अरे गुरु, तुम गुरु? अरे मैं भी कहूँ कि संजीव कुमार का रास्ता रोकने वाला कौन है माइकल? आज तक कोई पैदा नहीं होला गुरु। गुरु एक बात कहते, तुम जो फाइट मारते है ना, अच्छा अच्छा की मुंडी को भर देते है तुम। गुरु जरा इस शराबी लड़के को देखो, कोई मानेगा कि ये आवारा छोकरा दीना नाथ जैसे शरीफ आदमी का बेटा और राजीव जैसे अच्छे लड़के का भाई है? सच कहते हो भाई, जमाना बहुत खराब आ गया। क्या बोला तुम? कुछ नहीं बस, कुछ नहीं कुछ। मैं आवारा हूँ। नहीं नहीं साला, तुम क्या है साला? सूद खोर। मैंने कुछ नहीं बोला साला, काला धंधे वाला ब्लैक मार्केट यार। कुछ नहीं बोला। अरे तुम लोग के बाप का क्या जाता है? मैं आ रहा हूँ। खाना खा लो। मैं खाना खा के आया हूँ। खा कर नहीं, पी कर आए हो। चलो उठो। मुझे तंग मत करो पायल। तंग तो तुम करते हो मुझे, कभी मारपीट करके आते हो और कभी दारू पीकर। बाबूजी और बड़े भैया को लोगों के सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ता है तुम्हारे लिए, पता है बुआ क्या कहती है तुम्हारे पीछे? अरे बुआ तो मेरे आगे भी कुछ ना कुछ कहती रहती है, उनकी बातों का बुरा मत मान पगली। यूँ समझ ले कि किसी का पेट खराब होता है या किसी की आंखें, उनकी तो जुबान ही खराब है। छोड़ो इन बातों को और खाना खा लो। चलो। मैंने कह दिया ना खाना नहीं खाऊंगा। नहीं खाना तो नहीं खाओ, लेकिन याद रखना मैं चली गई ना उस घर से
तो कोई नहीं पूछने वाला। अरे नाराज हो गई पगली, मुझे पता है अगर तू चली गई ना तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। अच्छा तू बैठ, मैं खाना खाता हूँ। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, अपनी पहली पगार से। कितनी सुंदर है। तुझे पसंद है? बहुत। तू देखना, यूं ही अपनी पगार से कुछ ना कुछ लाता रहूंगा तेरे लिए। बाबूजी देखेंगे और कहेंगे कि संजू ने तो अपनी बहन का सारा दहेज बना डाला। बाबूजी के लिए कुछ नहीं लाए? लाया क्यों नहीं, सबके लिए कुछ ना कुछ लाया हूँ। बड़े भैया के लिए ये शर्ट, बुआ के लिए ये शॉल और बाबूजी के लिए ये चश्मा। हाथ में ली रहने से साफ दिखाई नहीं देगा बाबूजी, आंखों पे लगा लीजिए। बेटे पहले खुशी के आंसू तो पहुंच लो, बाकी दुनिया बहुत खूबसूरत है बेटे, बहुत खूबसूरत। आपको पसंद आया बाबूजी? कल के गए आखिर आए गए लाट साहब, मैं तो कहती हूँ आज कुछ ना कुछ हुआ। भैया तुम्हारे लिए बहुत अच्छी शॉल लेके आए हैं। ये निगोड़ मारी खाक पड़ी शाल भी इस लायक है कि किसी को दी जाए, पर नाम हो गया कि बुआ के लिए कुछ लाया है, फिर भी रख लेती हूँ, नहीं तो भैया कहेंगे कि मैं इससे जलती हूँ। ये क्या अभी आया? नहीं बेटे तो राती को आ गया था, कल मुझे पहली तनख्वाह मिली बड़े भैया तो मैं शर्ट आपके लिए ले आया। डॉक्टर देर से आए थे जी हाँ, और शराब भी पी थी। देखो संजू, जिस तरह जिंदगी तुम जी रहे हो ये शरीफ लोगों के जीने का तरीका नहीं। बाबूजी के रिटायरमेंट के बाद ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर मैंने इस घर को चलाया है, अपनी पढ़ाई को पूरा किया है, और तुम रात दिन की इस कमाई को शराब में उड़ा, ये मुझे पसंद नहीं। मैंने आपके पैसे कभी नहीं लुटाए बड़े भैया, जो कुछ भी कर रहा हूँ अपनी कमाई से कर रहा हूँ। समझ बैठे बड़े भाई को इस तरह जवाब नहीं देते। जवाब देना तो इसका पहला धर्म है, छोटे बड़े की तमीज ही नहीं है इसे। राजू बेटा प्रसाद ले। अरे तू कहाँ जा रहा है, तू भी ले। ले लो बेटे, प्रसाद को ना नहीं कहते। अरे कितनी बू आ रही तेरे मुंह से। अरे प्रसाद खाने से पहले कुल्ला तो कर लिया होता। ये तुम्हारे भगवान का प्रसाद मेरे लिए नहीं है बुआ। देख लिया भैया, अब तो देवी देवताओं का भी अपमान करने लगा ये। हाँ हाँ कलावती, मैं सब देख रहा हूँ। क्या बात है गुरु, आज सुबह सुबह चेहरे पे ढाई बज रहे, घर में फिर से कोई चिचकिच होगी क्या? हाँ यार, अब बात ही कुछ हद से बाहर निकल गई। रात तूने थोड़ी सी क्या पिला दी कि घर में तूफान आ गया, मैं तो तंग आ गया यार। हाथ चला रहा है कि मेहंदी लगा रहा है गाड़ी को? ये कारे बारे तो मुझसे यूं कांपती थी जैसे नई नवली दुल्हन कांपे पीली रात को। ये गाड़ी तो मैं दो मिनट में ठीक कर दिया करता था, और तुम लोगों के दो घंटा हुआ एक इंजन नहीं बिठा सके। क्यों बकबक करते हो सेठ, या हमें काम करने दो या तुम खुद काम करो, ये लो। लो। अरे मेरे को काम करना होता तो मैं तुम लोगों को क्यों पगार देता? मैं तो ये कह रहा था कि लड़कियों की तरह हाथ मत चलाओ, जल्दी जल्दी चलाओ। ये टेलीफोन की घंटी भी मेरी डांट की दुश्मन हो रही है, जब भी मैं डांटना शुरू करता हूँ तो ये टुनटुनाना शुरू कर देती है। आया आया भाई आया। हेलो, मैं तुमको टाइर गैरेज दिख रहा हूँ उधर से बिटिया। हाँ मैं टाइर बोल रहा हूँ, टाइर गैरेज का मालिक। हाँ क्या काम है बोलो, बिगड़ गई? कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, मैं अभी किसी को भेज देता हूँ। हाँ हाँ। अरे संजो जरा लपक कर जाइयो अपनी जीप लेकर पंचगिनी के घाट के ऊपर, वहाँ एक गाड़ी लड़कियों के साथ बदतमीजी पर उतर आई है। मैं अभी जाता हूँ सेठ। अरे पहले पूरी बात तो मेरी सुन के जा, अगर गाड़ी ठीक हो जाए ना तो डबल चार्ज करियो, और ठीक न होने तो टो करके इधर लेके आयो, लेकिन अपनी जीप के हाथ पैर संभाल के लाइयो। बीरो तू भी इसके साथ चला, लड़कियों का मामला है एक से दो भले, और तेरे को एक्सपीरियंस ज्यादा है। जाओ अभी जाता हूँ। चल बीरो पकड़ो। अरे तेरी तो इतना वजनदार मेरे को काय को पकड़ा के गए, वो भी गरम। Oh
यार गाड़ी तो यही लगती है। क्या बात है, गुड़िया भी है। तुम मैकेनिक हो, तुम जरा गाड़ी संभालो, मैं जरा कुड़ियों का। अरे बात सुन, तुम सीनियर मैकेनिक हो, तुम गाड़ी संभालो, मैं कुड़ियों को देखो। देखिए, देखने की चीज तो हो भाई मिया। शबाना, क्यों बदतमीज की मुंह लग रही हो? तुम क्या समझते हो कि लड़कियों को छेड़ना तुम्हारा बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार, पैदाइशी हक है? वाह वाह वाह, आप तो मुझे कई भाषाओं की चलती फिरती डिक्शनरी नजर आती है। शट अप, मैं तुम जैसे रोड साइड वुमेन्स को अच्छी तरह जानती हूँ। जहाँ कोई जवान खूबसूरत लड़की देखी तो जवान ए खूबसूरत ए कहाँ है इतने उस्ताद? लीजिए एक और आ गए। शहर से बाहर अगर कोई काम हो तो उस्ताद कभी अकेले को नहीं भेजेंगे। ये जुगल जोड़ी हमेशा साथ हो। मैकेनिक जी? हाँ मैम साहब, आपकी गाड़ी तो यहाँ बनेगी नहीं, तो क्या हुआ उस्ताद, बिगड़ पानी की गाड़ी घसीट दी, गैसकेट जल गया, अब क्यों करके ले जाना पड़ेगा। तुम मैकेनिक से तो पहले क्यों नहीं बताया? आपने बोलने का मौका कहाँ दिया, मैं तो कोई रोड साइड रोमियो हूँ ना, सड़क क्या, चल फिर चल। अरे अरे सुनिए, अरे सुनो सुनो, अरे अरे ये क्या किया, बुलाओ उसको। मैं तो नहीं बुलाती। हाँ सॉरी, बोल दी मैं आपसे ना, वो जीप में भी बैठ गया, जीप स्टार्ट भी होगी, अब वो चला जाएगा। अरे जाने भी दो, हम क्या पैदल नहीं चल सकते? चलने को क्या बीरू, चलने को तो खराब रुपया भी चल जाता है और खराब सरकार भी, टूटी तलवार भी और कमीने का प्यार भी। बम्बई तो दूर, पूना 40 मील है, और फिर इस घनी जंगल की साए साए करती रात, और परछाइयों की बरसात, और फिर जंगल का राजा बाजा है, जंगल में शेर भी है। मेम साहब, शेर के अलावा शेरे बब्बर भी है, और सोने पिक्चर का डाकू गब्बर भी। शेर तो एक बार लड़की समझ कर छोड़ दे। गब्बर सिंह छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं पड़ा होगा, उसको तो दिन में 3-3 टाइम चाहिए, सुबह दोपहर को शाम को। जी हाँ, सॉरी तो वो कहे जिन्होंने सेटअप कहा, वो समझती है कि हमको अंग्रेजी नहीं आती क्या? चलिए चलिए जाइए, उनको कहिए कि यहाँ के प्यार से हमें सॉरी कहें, नहीं तो हम चल। चलो बोल दे सॉरी, चल बोल बोल ना सॉरी। ये क्या मक्खी उड़ा दी? अरे मेम साहब, ऐसे सॉरी नहीं कहा जाता, वहां जाइए सॉरी बोलने की प्रैक्टिस कीजिए और प्यार से हमें सॉरी बोलिए, जाइए जाइए। ठीक है, 3-4 बार सॉरी कह देती हूँ, आपको जो सॉरी पसंद आए रख लीजिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम वेरी 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 सॉरी, आई एम बस 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 इतना काफी है। क्यों जो बांटे, वो बन जा रहा हूँ
बेटी, जरा रुबी आंटी के जा और ताई भाई को फोन कर कि संजू अभी तक क्यों नहीं आया। जी बाबा जी। जल्दी जा। ओह, I'm sorry रुबी आंटी, जरा एक फोन करना। Of course, of course, बेबी, तुम बहुत अच्छा मौका पे आया। मालूम है तुमको बॉम्बे से एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर आया। हाँ, और वो हमको बोलता था कि उसको एक न्यू फेस मांगता है। हाँ, और हमने उसको बोला कि हम उसको तुमसे मिलाएगा। तुम बहुत लकी बेबी, तुम बहुत अच्छा टाइम पे आया है। चलो हम तुमको इससे मिलाते हैं। कम 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 प्रेम, तो अभी बोलता था ना कि तुमको एक न्यू फेस मांगता है। देखो एकदम ब्रांड न्यू चेहरा है पायल। ये है प्रेम नाथ जी, ये एक बहुत बड़ी फिल्म बनाने वाले है। चेहरा तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन स्क्रीन टेस्ट लेना पड़ेगा। हाँ, ले लेना क्यों बेबी? जी। वेरी गुड। आज मैं जल्दी में हूँ, बॉम्बे जाना है, लेकिन नेक्स्ट वीक फिर आना। हाँ तो उस वक्त ले लेना। उसमें क्या हुआ, जब तक हम बेबी को तैयार कर देगा। जाओ बेबी, फोन करो, फोन करो, जाओ फोन करो।
नमस्ते मैम साहब। डैडी कहाँ है? डॉक्टर साहब आए उनके साथ कमरे में। अच्छा सामान अंदर ले जाओ। जी देखो मेरी भतीजी के साथ तुम्हारी भतीजी शबाना भी गई है। मेरा ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा? ब्लड प्रेशर इंसानों का बढ़ता है, डॉक्टरों का नहीं। Hi Dad, hello Uncle Rashid. Our baby. Top of the world. Top of the world. शाम को क्यों नहीं आई? Oh, Uncle Rashid, जरा Dad को समझाइए ना। अगर डांटना नहीं आता, तो डांटने की कोशिश ही करते हैं। भाई डांटना आए या ना आए, बाप को डांटने का पैदाइशी हक है। और उसी आपको इस्तेमाल करते हुए मैं पूछ रहा हूँ कि कल शाम को क्यों नहीं आई? Dad, पहले तो घाट पर मेरी गाड़ी खराब हो गई, फिर गैराज को कॉन्टेक्ट करने में, टो करने के लिए गाड़ी के आने में घंटों लग गई। फिर उसके बाद क्या हुआ ये मत पूछिए, यूं समझ लीजिए कि जान जाते जाते बच गई। What? कहीं चोट तो नहीं लगी? ए रशीद, देख, देख, इन हरकतों से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं तो क्या कम होगा? ओफो अंकल रशीद, माय डैड इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। नो मिस प्रसाद, योर डैड इज अ रियलिस्ट। ओके ओके, आप गर्म मत होइए, मैं आपके लिए ग्लास ठंडा पानी लाऊं। नहीं, ठहरो इधर ही। पहले ये बताओ ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं अपनी मैगजीन में इसके बारे में एक डिटेल स्टोरी छापने वाली हूँ, वो आप लोगों को एक एक कॉपी प्रेजेंट कर दूंगी, आप खुद ही पढ़ लीजिए। देखा रशीद, घुमा फिरा के बात मैगजीन पे ही ले आई। I tell you, I'm fed up of this magazine. May I come in, sir? Yes. Oh, no. Here comes Mr. Tension Prasad Sen. You know, doctor, जब भी आता है कोई ना कोई परेशानी लेके आता है। मैं कहता हूँ इसका यहाँ पे आना बंद कर दो तो मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ फरमाइए मिस्टर टेंशन। 10:30 बजे इंटरव्यू लेने का है, एक तो पोस्ट के लिए 1235 एप्लीकेशन आया है। 1235? डॉक्टर ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। वैसे स्क्रीनिंग करके हम 52 का 6 लिया है और 5 तो रिकमेंडेशन भी है। अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, मेंबर बोर्ड ऑफ फाइनेंस, 2 MPs और एक एमएलए। इसलिए हम 5 को रिजेक्ट कर दीजिए तो रह जाते 47। बट वो बेटी वो। डैड रखना तो एक ही को है ना। हाँ? 4 तो खफा होंगे ही, तो जहाँ 4 वहाँ 5। जिनकी सिफारिश होती है वो नॉर्मली गधे होते हैं। बच्ची ने बात बिल्कुल ठीक कही है। मैं बताऊँ, इंटरव्यू इसको लेने दो, आफ्टर ऑल शी इज अ जर्नलिस्ट, इंटरव्यू ये ज्यादा अच्छा लेगी। दैट्स अ गुड आइडिया। और इतने में हम दो बाजी शतरंज ही खेल लेते हैं। शतरंज? व्हाट डू यू से? हाँ हो जाए। हमारा खानदानी पॉलिटिकल है। मेरे दादा पंडित द्वारका प्रसाद जी शुक्ल वाज अ मिनिस्टर 1935 और मेरे पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। दैट्स फैंटास्टिक। जी अगर हमारे यहाँ किसी मिनिस्टर की जगह खाली हुई तो मैं आपको जरूर तकलीफ दूंगी। थैंक यू। नेक्स्ट। क्या मैं प्रवेश कर सकता हूँ? आइए बैठे। धन्यवाद। भारत, दैट इज इंडिया की इकोनॉमी के बारे में आपका क्या ख्याल है मिस्टर राजीव? भारत की अर्थनीति मेरे विचार से सीधे शब्दों में इस प्रकार कही जा सकती है, सीमेंट कम बालू ज्यादा, ठोस विचार कम नारेबाजी ज्यादा। इसका कारण हमारी राष्ट्रीय राजनीति देशवादी नहीं, क्षेत्रवादी एवं चुनाववादी है। आपके विचार तो शुद्ध राजनीतिज्ञ है। जी नहीं महोदया, मैंने तो कभी छात्र संघ के चुनाव तक में भाग नहीं लिया। जी देखिए। अच्छा ये जो लोग कहते हैं कि भारत में बेईमानी किए बिना कोई तरक्की नहीं कर सकता, इस विषय में आपका क्या विचार है? इस विषय में मैं अभी आपसे क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन क्षेत्र में अभी तक कोई उन्नति नहीं की है। अगर आप मुझे यहाँ सेवा करने का अवसर प्रदान करें तो संभवतः वर्ष दो वर्ष में यहाँ की कार्य प्रणाली को देख कर समझ कर मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के अनुकूल हो जाऊं। I see. स्मार्ट है लड़का। एक बंडल प्रकाश बीड़ी देना। ये लो भैया अपना बीड़ी का बंडल।
ये साला प्रेम नाथ भी पता नहीं कौन सा जादू मंत्र जानता है, रोज एक नया चूजा फंसा के ले आता है और जाके फार्म हाउस में मौज उड़ाता है। आज भी देखो क्या फर्स्ट क्लास राउंडिया पढ़ा के लाया साला। अरे क्या हुआ भाई? आइए, खमान खमान खमान, इधर आइए, इधर इधर, नाइस, नाउ स्माइल लिटिल बिट। आहा, तुम तो ऐसी खड़ी हो जैसे अभी तुम्हें जज फांसी की सजा सुनाने वाला है। दैट्स इट, शर्मिला स्माइल, ब्यूटीफुल। नाउ नाउ आप जरूर बल्लू थोड़ा सा खिसकाइए। सिनेमा में काम करना है तो ऐसा करना ही पड़ता है। ओपन अप, ओपन अप, दैट्स इट, ब्यूटीफुल, ऊपर ऊपर, दैट्स इट, ब्यूटीफुल, और गर्दन इस तरफ। रूबी, बेबी पसीना पसीना हो गई है, कोल्ड ड्रिंक लेके आना। ओह श्योर। वाओ, व्हाट अ फिगर, दैट्स इट, ब्यूटीफुल। अभी इसे जरा खोल दीजिए, खोलो, ब्यूटीफुल, शर्माना नहीं। रिलैक्स बेबी, कम ऑन कम ऑन, यहाँ बैठ जाओ, नाइस। देखो बेबी, पिक्चरों में काम करने के लिए लव सीन तो करने होते हैं। मुझे और काम नहीं करना, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। अच्छा चले जाना बेटा, ये तो पी लो पहले। मुझे कुछ नहीं पीना, मुझे मेरे घर जाने दीजिए। जल्दी भी क्या है, यहाँ जो आग लगाई है उसे बुझा के जाना बेबी। बेटी किसी दो, बेबी बेबी। साइकिल छोड़ के आता हूं, और सुन, किसी को कुछ पता ना चले कि तू कहां गई थी। अगर घर वालों को जरा सी भी भनक पड़ गई तो बाबूजी जीते जी मर जाएंगे और घर की मान मर्यादा मिट्टी में हो जाएगी। ये आप क्या कह रही है? हम सीधा राजू को नौकरी मिल गई और इतनी जल्दी? अरे वो संजू की तरह निखट्टू थोड़ी है, 2500 तनख्वाह, रहने को बंगला। ये आप क्या कह रही है? दरअसल मैं तो संजू की तारीफ करने यहाँ आया था। उसका ध्यान काम में खूब है, इंशाल्लाह एक दिन ऑल इंडिया मैकेनिक बन जाएगा। बन गया। आओ आओ संजू। सलाम ताहिर सेठ। मैं जो तुम्हारी शान में कसीदे पढ़ रहा था। ये पुलिस क्यों आ रही है? संजीव कुमार यहीं रहते हैं क्या? बात है इंस्पेक्टर साहब, उनके नाम गिरफ्तारी का वारंट है। वारंट? मैं जानती थी ये एक में एक दिन खानदान का नाम जरूर ऊंचा करेगा। आहा हा हा हा।
खुश हो रही होंगी पुरखों की आत्माएं। अरे तू कलावती। इंस्पेक्टर साहब क्या किया संजू ने? मिस्टर प्रेमनाथ के फार्म हाउस को आग लगाई है और उनकी जान जाते जाते बची है। नहीं झूठ है। इंस्पेक्टर साहब जरूर कहीं कोई गलती हुई है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। संजू बेटे तुम कहते क्यों नहीं जिसने भी रिपोर्ट लिखवाई गलत है? रिपोर्ट गलत नहीं है बाबूजी। इंस्पेक्टर साहब चलिए, मेरा ही नाम संजीव है मगर मुझे और खुशी होती अगर प्रेमनाथ के खून का इल्जाम मेरे सर पर होता। चलिए। मेरी भैया नहीं। घबराती क्यों पगली, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि ये लौंडा किसी शरीफ गैरेज में काम करने के लायक नहीं है। ताहिर मियां। अरे छोड़ो ताहिर मियां को, कसम खुदा की जब से इसको मैंने अपने गैरेज में रखा है ना मेरा तो माथा ठनक रहा है। जेल से छूटने के बाद मेरे गैरेज का रुख मत करियो। क्या बात है बुआ? अरे मैं क्या बताऊं बेटा, वही संजुआ पहले दारू पी के झगड़े किया करता था, अब झगड़े से दो कदम आगे निकल के किसी का खून करने चला गया, पुलिस आई और पकड़ के ले गई। संजू देखे सोए बड़े भैया। राजू तो उसकी जमानत देखे उसे छुड़ा ला। मैं और संजू की जमानत कभी नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटे, लोग कुछ भी कहें संजू किसी की जान नहीं ले सकता। खून करना उसके खून में नहीं, वो मेरा बेटा तेरा भाई है। जी हाँ वो आपका बेटा है, ऐसे भाई से मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो अपने भाई को छुड़ाने नहीं जाएगा? जी कभी नहीं। अरे भैया सठिया गए हो क्या? छोड़ने दो उसे जेल में, इसकी नई नई नौकरी लगी है, इसके मालिकों को अगर पता चल गया कि इसका छोटा भाई ऐसा है वो सोचेंगे बड़ा भाई भी ऐसा होगा। अरे निकाल देंगे इसे नौकरी से। जी बुआ बिल्कुल ठीक कहती है। हाँ। अरे तो क्या नौकरी भाई से ज्यादा हो गई? नौकरी बहुत मिल जाएंगे लेकिन भाई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। साल दो साल जेल की चक्की पीसेगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अरे जिंदगी भर के लिए चक्की बसवाना मांगता है, हम बोलता फांसी लगाना मांगता है। डोंट टॉक रबिश। उस साले को दो साल की सजा होगी, मुझे होगी 5 साल की। क्यों? क्यों क्या, पायल नाबालिग है। ठहरो भाई मैं अभी आता हूँ। ओ माय गॉड। हाँ? उसका बाप इधर काहे को आता मैं? ओ भाई साहब मुझे प्रेमनाथ जी से मिलना है। बाप रे इसके हाथ में गाड़ी भी है। ये साहब आपसे मिलना चाहता है। जाओ जाओ। जी नमस्ते। मैं दीनानाथ हूँ, संजीव का पिता। कहिए। मैं क्षमा मांगने आया हूँ सर साहब। क्षमा? मेरे बेटे ने जो, अरे उसने तो मेरी जान ही ले ली थी। किस्मत थी कि मैं बाल बाल बच गया और तुम कहते हो मैं उसे क्षमा कर दूं? दया कीजिए सर साहब। कभी ना उस लुच्चे लफंगे आवारा पे दया, नेवर। उसे सजा होगी, जेल में चक्की पीसेगा वो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पांव पड़ता हूँ सर साहब। वो जेल चला गया तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। मैं गरीब आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से दो बेटों में से एक बेटे को पढ़ा पाया हूँ, बड़े लड़के को भी अभी नौकरी मिली है। अगर छोटे को जेल हो गई तो उसकी नौकरी चली जाएगी और मेरी बेटी की मंगनी भी टूट जाएगी सर साहब। ये गरीब दीनानाथ जो शहर में सर उठा के चलता है वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा सर साहब, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है, उसे तो मैं क्षमा नहीं करूंगा लेकिन उसके किए की सजा तुम्हें, तुम्हारे बेटे को या तुम्हारी बेटी को मिले ये भी नहीं चाहूंगा। पुलिस कमिश्नर मेरे दोस्त हैं, उन्हें फोन करके ये केस मैं वापस ले लूंगा। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, धन्यवाद। भैया तुम आ गए। भैया छुड़ा के ले आए अपने लाडले को? हाँ बेटे, प्रेमनाथ को मेरे बुढ़ापे पे तरस आ गया, मेरी बेबसी मेरी मजबूरी को देखकर उसने तुम्हारे छोटे भाई को माफ कर दिया। शर्म से डूब नहीं मरे ये? राजीव ये कोई वक्त ऐसी बातें करने का? नहीं नहीं,
ये तो पास पड़ोस में लड्डू बांटने का वक्त है। छोटा सुपुत्र खानदान का नाम रोशन करके सीधे हवालात से घर लौट रहा है, छोटे सांड की तरह। अब चुप भी हो जाओ कलावती। ये लो, मैं चुप हो जाऊं? ये अगर मेरा बेटा होता ना भैया, तो हवालात में ही लुकारा लगा देती इसके मुंह को। इसीलिए मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं बुआ, और इसी डर से भगवान ने तुम्हें कोई औलाद ही नहीं दी। संजू, जबान बहुत लंबी हो गई इनकी, बड़ों के मुंह लगते हैं, देखा ना कैसे आंखें निकाल लें। अभी तो गालियां देंगे, हमारे मुंह पर तमाचे मारेंगे ये। मैंने किसी को गाली नहीं दी है, किसी को तमाचा नहीं मारा है। खामखा बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं पड़े भैया। फायदा? बात तो बढ़ चुकी है, मैं इससे और इसकी बदतमीजों को और नहीं सह सकता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप खुद ही फैसला कर लीजिए, या तो इस घर में ये रहेगा, नहीं तो मैं। हां बाबू जी, आप हम दोनों में से जिसे चाहे चुन लीजिएगा। तुम दोनों मेरी दो आंखें हो, किसे खोऊं किसे बचाऊं, इतनी बड़ी परीक्षा में डालने से पहले ये तो सोच लो, जिसे तुम घर से निकालने के लिए कह रहे हो वो तुम्हारा सगा भाई है। मर गया मेरा सगा भाई? मेरा भी सगा भाई जिंदा नहीं है बाबूजी। माफी मांग अपने भाई से, बुआ से। आप तो प्यार करते हैं बाबूजी, आपको मारने का भी हक है, लेकिन मैं बड़े भाई और बुआ से माफी कभी नहीं मांगूंगा। बड़े भैया तो यही चाहते हैं ना कि मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊं। मैं आज ही चला जाता हूं बाबूजी, लेकिन मैं बड़े भैया को वो मौका नहीं दूंगा कि नौकरी मिलने के बाद वो मेरा बहाना बनाकर आपको और पायल की जिम्मेदारी को इस आंगन में फेंक कर बॉम्बे चले जाए। इस घर में आप ही रहेंगे बड़े भैया। भैया रुक जाओ भैया, मेरे कान में इतना बड़ा इल्जाम अपने सर मत लो, मैं सब कह दूंगी भैया। नहीं पायल, अगर तुमने कुछ कहा तो तुम अपने भैया का मरा हुआ मुंह देखो। नहीं नहीं भैया। ये ले। अच्छा बीरू, मैं चलता हूं। दोस्त को भूलना नहीं। ये ले चिट्ठी, दादा रेलवे यार्ड की जो बस्ती है ना, वहां किसी को भी पूछ लेना चंदूलाल बेकारी वाले का नाम। चलता हूँ बीरू। ये क्या मामा? ना दिन देखती है ना रात, जब देखो तक देना दिन, तक देना दिन, तक देना दिन। तुम्हें तो मेरे कोई काम अच्छा नहीं लगता। सिनेमा जाऊं तो बुरा, अड़ोस पड़ोस जाऊं तो बुरा, दाई बाई झांकू तो बुरा, इस समय में बंदी बनाकर रख चढ़ा है मुझे। एक नाचने का शौक है, वो भी तुमसे देखा नहीं जाता। अरे नाचना गाना शरीफ लड़कियों का काम नहीं। तो फिर शरीफ लड़कियों के क्या काम है? बस काम है, मेरा मतलब है चली के। हकलाते क्यों हो? बोलो बोलो। शीशे के सामने खड़ी होकर अपने सूरज देखा करो, दीवारों से सब टकराया करो, घर के बर्तन बर्तन तोड़ा करो। अरे तू तो खाली पीली रह जाती है। बिना माँ बाप के बच्ची हूँ ना, किसी ने तो डालते रहती हो। आज मेरी माँ जिंदा होती तो। अरे रोती क्यों है बेटी, तू तो मेरी बहन की इकलौती निशानी है, मैं तेरे लिए बुरा चाहूंगा? अरे मैं तो तेरे भले की बात कर रहा हूँ, जमाना बहुत खराब है, जरा जरा सी बात पर लड़कियां बदनाम हो जाती हैं। बस एक बार तेरे हाथ पीले हो जाएं, तो अपने सारे शौक पूरे कर लेना। अरे ओ मेरे प्यारे बाबा कुंदन, ये हराम सादा फिर आ गया, देखता हूँ। अरे ओ ढक्कन के, तेरा पाव मास्टर किधर है?
ये रहा चंदूलाल पाव वाला, सारा फिर धनों में जाने आ गया। टाइम देखता ना भाई टाइम, सीना ताले चला आता है। अपुन क्या करे चंदू सेठ, ये जो ऊपर वाला है ना, इसने अपुन का लोखन का बनाया है। जब देखो ससुरा तनच ही रहता है अपुन का सीना। अबे ये तेरे बाप का है जो खा जा रहा है। नहीं अपुन के बाप का नहीं है, लेकिन अपुन के होने वाले ससुर का तो है। क्या लगता है? बहुत दिनों से उसका दीदार नहीं किया, जरा बेला को बुलाना। खबरदार उसका नाम जबान से लाया। चंदू सेठ ये बात तो अच्छी तरह से जानता है कि बेला की माँ मरने से पहले अपुन का और बेला का शादी का रिश्ता पक्का कर गई थी। वो रिश्ता टूट चुका है। क्यों? अरे उसे क्या मालूम था कि बड़ा होकर तू एक लुच्चा लफंगा बनेगा। तो क्या वो ये सोच रही थी कि मैं बड़ा होकर चीफ मिनिस्टर बनूंगा? मैं किसी गुंडे बदमाश के साथ अपनी भांजी की शादी नहीं करूंगा। चुप ढक्कन के, कसम फुटपाथ की सेठ, ज्यादा बकवास की तो अपन तुझको भी उठवा देगा, तेरी भांजी को भी। आ उठा मुझे हरामी, देखूं तो तेरी हिम्मत। कसम फुटपाथ की बेला, जो मजा तेरी गालियों में है ना, वो तेरे मामा के सड़े हुए पाँव में भी नहीं है। बस अपन तेरी मीठी मीठी गालियां सुनने के लिए तेरे पास आ जाते हैं। चले जा, वरना पाँव की इज्जत हाथ में संभाल लूंगी। अरे पहले पहले इसे हाथ में संभाल। देख अपन तेरे लिए क्या ब्यूटीफुल साड़ी लेकर आया है। अरे वाह, बड़ी कीमती साड़ी लाया है। अरे पहनेगी तो फिल्मी रानी लगेगी। ओह ऐसा क्या? ऐसा। साली अपनी दिल्ली अपुन के साथ ना, आज अपुन तेरे साथ शादी बनाएगा। देखता अपुन को कौन होता है। अपुन कौन? तुम्हारा बाप। अपुन का बाप तो मर गया, अब तू एक काम कर। जो भेड़ो आया तुझे अपने बाप का नाम याद? अब एक काम कर, तू इधर से फुटाज की गोली खा। नहीं सलामत है। कसम फुटपाथ की आज अपन तुझे ऊपर बाप के पास पहुंचा ही देता है। मामा तू घड़ा कुंदन जरूर पटेगा। अबे मेरे आटे की ऐसी तैसी क्यों कर रहे हो? कसम फुटपाथ की आज पुलिस ने तुझे बचा लिया, वरना अपन तुझे आज खलास कर देता था। अरे वाह क्या फाइट किया है, एकदम मर्द मराठा के माफक। इधर नया आया है क्या? बिल्कुल नया आया हूँ, चंदू सेठ के लिए खत लाया हूँ। आपको मालूम है चंदू सेठ कहाँ है? अरे चंदू सेठ तो हम ही है, बेकरी वाला। बीरू ने यह खत आपके नाम भेजा है। बीरू ने? जी। क्या लिखा है बीरू ने? बीरू ने लिखा है कि छोकरा को कोई काम दे। तो काम दे दीजिए ना मामा। अरे चिट्ठी नहीं भी होता तब भी हम उसको काम दे देता। तो मैं समझू काम पक्का है? पक्का, लेकिन एक बात है, काम जरा डिफिकल्ट है, 8 घंटे भट्टी के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। अरे सेठ 8 घंटा क्या, हम तो 24 घंटे भट्टी के सामने खड़े रहने के लिए तैयार है। ये बात है, चलो बोल माल किधर है मेरा, बोल। माल पुलिस के ताबे में और ट्रक पुलिस की चौकी में। ये छोकरा लोगों का क्या कसूर है सेठ, काय को ठोकरा ला बाप? कसूर ये है कुंदन के माल पकड़ा ही नहीं गया है। हाँ
इन हरामजादों ने माल पार कर दिया और खाली ट्रक पकड़वा दिए। ये क्या बोलता है बाप? हमारी चार आंखें हैं कुंदन, दो तो हमारे साथ रहती है और दो ट्रक के साथ साथ दौड़ती रहती है। जानना चाहते हो माल कहाँ है? माल है हाजी सुल्तान के कब्जे में। अगर ऐसी बात है सेठ, तो कसम फुटपाथ की अपुन इन गद्दारों को खलास कर डालेगा। अपुन के बॉस के साथ गद्दारी और नमक हरामी करने वालों को कुंदन कभी माफ नहीं करता सेठ, कभी माफ। कुंदन, इनका हिसाब तो बाद में किया जाएगा। ले जाओ इन हरामजादों को। लाभ सेठ। हाँ, तुम्हारा ये छोकरा लोग तो फांदेबाज निकला, अब अगले माल का क्या होगा? हाँ, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं सिवा तुम्हारे। हाँ, माल लाने के लिए तुम्हें खुद नेपाल जाना पड़ेगा और शायद वहां 2-3 महीने रुकना भी पड़ेगा। ये लो खर्चे पानी के लिए। इसे रहने दो सेठ, माल आ जाने के बाद अपन पाई पाई का हिसाब कर लेगा। अपन चलता है सेठ। चन 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 बाजे पायल मोरी, आजा चोरी चोरी, आजा चोरी चोरी, आजा चोरी चोरी, हाय हाय। चन 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 बाजे पायल मोरी, आजा चोरी चो। मीरा। गोद में गिरे पायल और डांस सुने बेला, वाह 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 वाह। तेरा पायल दे दो ना। हाय पीतर दी, क्या ताकर मारा है। ठीक कलेजे पर आने दे चंदू सेठ को, ऐसी मरम्मत करवाओगी? हाँ हाँ, कह कर देखो। मुझे तो सिर्फ डांट पड़ेगी और तुम्हें तो उसी वक्त निकाल देंगे। आजकल रोजगार मुश्किल से मिलता है और वो भी ऐसा रोजगार कि बोनस ऊपर से। ठीक, बेशरम। कौन बेशरम, किसकी बात हो रही है? वही अच्छा चंद की बहन जो अपने पति को छोड़कर भाग गई है। आप इतने जल्दी कैसे आ गए? अरे जिस अफसर को मिलने गया था ना, मिला ही नहीं, काम आधा रह गया। अरे संजू बेटे, एक बात है, तू तकदीर का बहुत धनी है। जब से आया है ना, अपना धंधा डबल हो गया है। लेकिन अपनी पगार तो अब तक सिंगल है सेठ। अरे हो जाएगी, डबल भी हो जाएगी। लेकिन कब होगी सेठ? बेला की शादी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो जल्दी टांग दो ना सेठ। जल्दी क्या है? मेरा मतलब है कि भट्टी की गर्मी खाते खाते कहीं बेला उबल ना जाए। आप लोग बहुत ही खुश हैं। अरे सारे स्लैब पूरे हो गए, सीमेंट के परमिट का क्या हुआ? हो गया सर, जब बोलेगा मिल जाएगा। क्यों नहीं? आगे वो दान दक्षिणा दिए बिना कैसे मिलेगा? और फिर जब तक आपसे ना पूछे दान दक्षिणा देगा कैसे? दान दक्षिणा ये सब। अगर वो फी बोरी 20% बांधा हुआ है। 20% रिश्वत? रिश्वत नहीं, दस्तूरी। वो बाबू बेचारा अकेले थोड़े ही लेता है, नीचे से ऊपर तक बढ़ता है। और फिर हमारा भी 1-8% आपको भी मिलेगा सर। सेन साहब, आप इस कंपनी में कितने बरस से काम कर रहे हैं? करीब 20 बरस होगा। 20 बरस से अभी तक आप जमीन पर कर रहे हैं? अगे ऊपर देख रहे हैं क्या है? अगे टॉप फ्लोर। जी हाँ, मैं वहां पहुंचना चाहता हूँ। आज के बाद कभी मुझसे ऐसी बेहुदा बातें मत कीजिए, चलिए अपना काम कीजिए। नमस्कार सर। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। हाय राजीव। मॉर्निंग मैम। हाय राजीव। भाई वाह राजीव, लगता है तुमने इस बिल्डिंग को वक्त से पहले कंप्लीट करने की ठान ली है। आज के जमाने में वक्त की बचत ही असल बचत है सर। और वो होटल के प्लान का क्या हुआ? बस अगले हफ्ते में दिखा रहा ना सर आपको। जब से राजीव बाबू हाथ में काम लिया, कंपनी का नक्शा ही बदल गया सर। और दादी के सर से बोझ भी हल्का हो गया, इनकी सारी जिम्मेदारियां आपने संभाल ली। सारी कहां, थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि बॉस के ऊपर किसी भी तरह के काम का बोझ ना रहे। इनके ऊपर कोई बोझ नहीं रहेगा,
राजीव बाबू को तो काम करने का बीमारी है। सेन, हाँ जी। दुनिया में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो काम को पूजा समझ के करते हैं। यस सर। डैड, चलिए ना, बहुत देर हो गई। कहाँ? चलो, अभी आप ऊपर तो आइए, आपको दिखाई दे सके कि हम लोग। वो आप लोगों का काम है, मुझे अपने काम पर जाना है। इस महीने के आखिर तक मुझे झोपड़पट्टी पर एक आर्टिकल लिखना है। हाँ, अच्छा अच्छा। और उसका सब अभी तक शुरू नहीं किया। थैंक यू, बाय बाय। अच्छा चंद साहब, keep up the good work. सेठ जी की एकलौती लड़की है, only daughter. जो इसका हाथ पकड़ेगा सीधे टॉप फ्लोर पर पहुंच जाएगा। I'm sorry sir. बहुत ज्यादा बोलते हैं आप। Sorry, very sorry. ये क्या कर रही मेम साहब? फोटो ले रही हूँ। किस लिए? अखबार में छापने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेम साहब एक काम कीजिए, एक फोटो मेरे लिए और अखबार में छाप दीजिए, नीचे लिखिए चंदू लाल बेकरी वाला। हाँ हाँ, तुम्हारी फोटो तो मैं जरूर लूंगी। हाँ। और फोटो छाप के ये लिखूंगी कि किस तरह चंदूलाल बेकरी का मालिक चंदू सेठ छोटे छोटे बच्चों से काम लेकर उनका खून चूस रहा है। मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। जेल? हाँ। अच्छा, तो उन्हें कहाँ भिजवाएंगी जो इन बच्चों से जेबे कटवाते हैं, इन्हें अंधा लंगड़ा लूला करके भीख मंगवाते हैं? अरे संजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेम साहब, मैं तो मोटर मैकेनिक से पाव मैकेनिक बन गया हूँ, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? नाबालिग बच्चों से काम लेने वालों के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही हूँ ताकि उन्हें सजा दिलवा सकूं। अरे मेम साहब, सजा दिलानी है तो समाज को दिलाओ जो इन्हें गलने सड़ने के लिए फुटपाथ पर छोड़ जाते हैं। अरे चंदू सेठ तो इस रावण की महानगरी में देवता है देवता, वो रोजगार का वरदान देते हैं, आपकी तरह भाषण नहीं देते और गरीब बच्चों को राशन भी देते हैं। क्या बात संजू, क्या बात की है, आप बोलिए मेम साहब। रियली संजू, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, जिंदगी के इस पहले को तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो बच्चो, चंदू सेठ के साथ खड़े हो जाओ। चलो चलो, आ जाओ जल्दी, आ जाओ। तुम्हारी तस्वीर भी इनके साथ छपेगी। थोड़ा सा बाल, अरे क्यों गजब करती हो मैम साहब, आपके साथ मुझे भी कुछ ठंडा गर्म पीने का मौका मिल जाएगा। चंदू सेठ की दिल की गंगा में रोज रोज बाढ़ नहीं आती। अरे बेला, अरे तू यहाँ तो खड़ी है, जरा 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 मैम साहब, ये बेला है मेरी भांजी, एक फोटो संजू के साथ हो जाए। ये जिसकी फोटो खींचने आई थी उसके फोटो खींच चुकी मामा, मेरे फोटो खींचने की जरूरत नहीं। दिल की बुरी नहीं है आपकी तरह। भाई मैम साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे ओ बेला, साला प्रकृति के पीछे कैसा तुम हिलाता हुआ जा रहा है। दिस इज मेन एंट्रेंस, दिस इज एंटायर ऑफिस बिल्डिंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हियर इज अ कॉफी शॉप, स्विमिंग पूल, दीज आर द टू लिफ्ट्स और इसके पीछे जो हमने कमाल है, कमाल है, तुमने तो कमाल कर दिया राजीव, इसका नाम तो होटल ड्रीमलैंड होना चाहिए। थैंक यू सर। हाय डैड, क्या बात है, आज तो आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाय राजीव। हेलो मैम। हाय नहीं, वाह कहो वाह, इसने तो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन में पांच चांद लगा दिए हैं। पांच? पांच? हाँ, चार तो मुहावरे वाले होते, पांचवा ये रहा। इस होटल के मॉडल को देखो, मैं कहता हूँ भगवान भी इंदौर लोग में टूरिस्ट के लिए होटल बनवाए तो इससे अच्छा नहीं बनवा सकते। तुम देखना, अर्चना कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन का नाम बड़ी जल्दी हर जुबान पे होगा। वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन आपकी बेटी का नाम कल ही दुनिया की जुबान पर होगा। ये देखिए, ये आर्टिकल फैला देंगे सारे सोशल वर्क्स के रैकेट को। ये वो बच्चे हैं जिन पर देश की भविष्य का दारोमदार है। ये भीख नहीं मांग रहे, जेब नहीं काट रहे, बूट लगिंग नहीं कर रहे, बल्कि मजदूरी कर रहे। 2 घंटे रोज की मजदूरी नहीं, 12-14 घंटे रोज की मजदूरी।
तुम इन नाली कटेली बच्चे में गए हो? राजीव डॉक्टर सिद्ध को फोन करो, मालूम है कौन से इन्फेक्शन डैडी। आप कोई ऐसा शौक क्यों नहीं करती जो आपके पिताजी के रुतबे से मेल खाता हो? कह चुके आप मिस्टर राजीव, मैं कोई होटल घर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं हूँ जो आपके बनाए नक्शे पर बनू और ना बनू तो गिरा दी जाओ। ये तो खैर फुटपाथों की संतान है, लेकिन अब तो मैं चरस कोकेन गांजे वाली जनरेशन को इन्वेस्टिगेट करने वाली हूँ। ड्रग्स कहाँ से आती है, कैसे तकसीम होती है, नौजवानों को कैसे इसका चस्का डलवाया जाता है। इट इज अ सीरियस नेशनल प्रॉब्लम। पर इस सीरियस नेशनल प्रॉब्लम के लिए दिल्ली में सरकार बैठी हुई है। सर 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 सर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन आप अकेले? आप फिर बोले। आई एम सॉरी। बड़ी तुम क्या कर रहा है? और करो डार्लिंग, और करो नी, और करो। आ गया दिला। एक्सक्यूज मी। स्टॉप। यस हंड्रिंग ब्यूटी। आपका नाम क्या है? लव बेबी लव किस मी मिस। आप ड्रग्स क्यों लेते हैं? क्योंकि तुम मुझे देती नहीं। वन किस 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 मरनी? जी नहीं, मैं पीती नहीं। बड़ी तुम पीती नहीं तो जीती कैसे हो? बड़ी एक पास मारोगी तो सीधा नरक से स्वर्ग में पहुंच जाओगी, फुर करके उड़ने लगोगी। लाइक मी। Excuse me, तुम ड्रग्स क्यों लेती हो? Damn yeah, life में life है। और तुम्हारे घर वाले? Oh shit, love is funny yeah। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे मालूम हुआ? Experience baby, experience, have a pump. Baby, have a pump. अरे अर्चना जी, अरे आप तो मान निकले, एक में तीन तीन। ये बाकी की दो जुड़वा मैंने अपने कहा छुपा के रखी थी साहब। अरे मैं तो हमेशा की तरह एक लौटी हूँ जनाब। अब आप बताइए, ये दो हम शक्ल कहाँ से खरीदे? क्या मैं आपको तीन दिखाई दे रहा हूँ? तब तो आपने पी रखी है। अगर मैं आपको तीन दिख रही हूँ तब तो आपने भी काफी पी रखी है। हाँ मैंने काफी नहीं, दारू पिया दारू। करो जी कैसी कही? वाजिबा अच्छी कही। Thank you.
जाने जाने कोई माने या न माने तेरी तरह मेरी तरह बन के मस्ताने जाने या न जाने कोई माने या न माने तेरी तरह मेरी तरह बन के मस्ताने अच्छे खासे लोग भी हो जाते हैं दीवाने बोलो बोलो जी कैसी कही बोलो जी कैसी कही Thank you.
बात? तुम ही रहने दो। आप? मेरा मतलब तुम यहाँ कैसे? कार से। पहले बेकरी गई थी तुम्हारा स्कार्फ लगाने के लिए। मगर ये स्कार्फ तुम्हारे पास कैसे है? पता नहीं, कल रात ना होश में मैं थी ना तुम। सभी जब स्कार्फ को देखा तो बहुत कुछ याद आया। मुझे भी याद आया। क्या? छोड़ो। आ, प्लीज बताओ ना। हाँ, याद आया कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आ गया था और हम दोनों मस्ती में यूं झूम रहे थे जैसे दो जान और एक आत्मा हो। सच? लेकिन वो तो एक सपना था। कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। जब से तुम्हें मिली हूँ मन में चाहत सी जाग उठी है। तुम चाहो तो इस चाहत को प्यार का नाम भी दे सकते हो। यार रशीद, आज मूड नहीं है खेलने का। बहुत परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? और क्या बात हो सकती है अर्चना, रोज कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर देती है। ओ, अब क्या हो गया? रात को चर्च के अड्डे पे गई थी। What? उन लोगों ने ना जाने क्या पिला दिया उसे। ये तो अच्छा हुआ कि राजीव उसे ढूंढता ढूंढता सही सलामत घर ले आया। मेरी समझ में नहीं आता कि सरपरी बेटी का क्या इलाज करूं। तो उसी शादी कर दो। शादी? मगर मगर क्या, अर्चना जैसी स्पेशल लड़की के लिए लड़का भी तो स्पेशल चाहिए। अरे वो तो घर में है। घर में? हाँ, अपना राजीव, उससे अच्छा घर दामाद तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, अरे वो अर्चना और बिजनेस दोनों की देखभाल अच्छी तरह कर सकेगा। आई नो, बट थॉट ऑफ इट, सोचने की बात है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजीव। आओ बेटा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारे जिक्र हो रहा है। सर, ONGC ने हमारी कोटेशन मंजूर कर ली है, हमें उनका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। फैंटास्टिक राजीव, फैंटास्टिक। राजीव, इस प्रोजेक्ट के साथ साथ तुम अपनी जिंदगी का कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं शुरू कर देते? जी? मैं समझा नहीं सर। अरे भाई, मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूं। शादी? जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। कोई लड़का देखा है? क्या हम USA में इंजीनियर है। तो फिर रुकावट किस बात की है? लगता है उसके माँ बाप ने मिसेस गांधी के 20 पॉइंट्स नहीं पढ़े। तो क्या है कि सर, वो दहेज मांगते हैं जो मेरी हैसियत से ज्यादा है। अरे भाई, तुम मेरी हैसियत से तो ज्यादा नहीं मांग रहे ना। जी? तुम अपनी बहन की शादी की तैयारी करो। हाँ, थैंक यू सर। पायल, संजय भैया, भैया मुझे विश्वास था भैया तुम जरूर आओगे। अरे कैसे नहीं आता पगली, बहन की शादी हो और भाई ना आए, ये कैसे हो सकता है? लेकिन तुम पिछले दरवाजे से क्यों आए? जिस घर से निकाला जा चुका हूं उस घर में सामने के दरवाजे से नहीं आ सकता। बड़े भैया ने तो तुझे बहुत कुछ दिया होगा, ये ले अपने गरीब भाई से एक मामूली सा तोहफा। वो मेरे लिए अनमोल है भैया, इसके बिना तो मेरा दहेज अधूरा ही रह जाता। तुम आ गए, मुझे सब कुछ मिल गया। Thank you.
भी कहता है साला। क्या बोली? एक गरम गरम पाव दे देना। अरे तेरे मामा की बेकरी है, एक क्या तू तीन ले जा। भजिया खाएगा? नहीं। अरे गर्मा गर्म है, साथ में मिर्ची भी है। एक दफे बोला ना नहीं खाऊंगा। एक दफा बोला ना नहीं खाऊंगा। बेला, बेला क्या हुआ? कहाँ है साहब? कहीं डस तो नहीं? डस लिया। कहाँ? यहाँ, दिल में। छोड़ दे बेला, बेला, छोड़ बेला। ये क्या बदतमीजी है? बेला छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। क्यों छोड़ू? क्या मैं तेरी उस साली मेम सब से भी बुरी हूँ? बेला छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है बेला? आराम भर कुत्ते। अपनी जबान संभाल चंदू सेठ, नहीं तो काट के तेरी इस टोपी में ठोसूंगा। चोरी और सीना जोरी, अबे पुलिस के हवाले कर दूंगा। 7 साल चक्की बीतेगा सुअर के बच्चे। चंदू सेठ गाली देता है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चंदू सेठ, संजू छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी जान ले लूंगा। संजू छोड़ दे, तुझे मेरी कसम छोड़ दे संजू। कुत्ता साला, करो मेरी बेटी, मैं कुत्ते के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं मामा, टुकड़े करने हैं तो मेरे करो। क्या लगती है? ओ मामा, कसर उसका नहीं, मेरा है। मैंने ही उसे धोखा देकर ऊपर बुलाया था। तूने उसे बुलाया था? बेशरम बेहया। मामा, मैं उसे चाहती हूँ, मैं उसे प्यार करती हूँ मामा। कार्बोरेटर भी ठीक है, बैटरी भी चालू है और प्लग भी साफ है, तो ससुरी को हुआ क्या है? अरे इसकी तो तार निकल गई थी सेठ। चलिए स्टार्ट कीजिए। अरे सेठ आप, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मियां, पर आपकी तारीफ। अरे काय को बन रहे हो सेठ, दाढ़ी मुंडवा कर मूछ रख ली, इसका मतलब नहीं कि मैं पहचानूंगा नहीं। मैं संजू हूँ, बड़े मियाँ संजू, महीना भर आपके गैरेज में काम कर चुका हूँ। कसम अल्लाह की, पहली बार देखा है तुम्हें। भेस बदल कर तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं, मुझे मालूम है तुम्हारी ये मूछ नकली है। पठान की मूछ पर हाथ डालता है, चाकू को घोल दूंगा तेरे पेट में। ताहिर सेठ, ताहिर, 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 समझा समझा, तुम छोटे खां की बात कर रहे हो, वो हरामखोर मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई? हाँ छोटा भाई, उसका पूना में गैरेज है, लेकिन तुम उसको कैसे जानते हो? सेठ मैं उनकी गैरेज में काम कर चुका हूँ। कर दी होगी छुट्टी तुम्हारी। वो पगार बचाने के चक्कर में कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही निकालता है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेठ सड़क नाप रहा हूँ, यानी कि काम की तलाश में हूँ। अपना भी एक गैरेज है लेकिन उसमें मैकेनिक की जगह खाली नहीं है, लेकिन साथ में अपना टैक्सी का भी धंधा है। ड्राइविंग का लाइसेंस है तुम्हारे पास? जी हाँ। तो फिर ये गाड़ी चलाकर बताओ, अगर काम पसंद आ गया है ना बच्चा, तो किसी टैक्सी पर बिठवा दूंगा तुम्हें। चलो सेठ आओ। क्या हुआ? सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, इग्निशन कॉइल खराब हो गया है। टाइम लगेगा, तुम गाड़ी ठीक करा के आओ, मैं टैक्सी में निकल जाता हूँ। टैक्सी। आइए। बांद्रा कांटा रोड चलो।
एनओसी के लिए मिस्टर सिन्हा को आप इतनी जल्दी पटा लेगा ये हमको उम्मीद नहीं था बाबा। 6,000 रुपये में बड़ी ताकत है और फिर 1,00,000 रुपया की मामूली रकम नहीं, बड़ों बड़ों का ईमान डामाडोल हो जाए। ऐसा करना तो चीज ही क्या है। आप भी कुछ कम नहीं राजीव बाबू, हमने सुना है सेठ जी आपको घर दामाद बनाने का विचार कर रहा है। क्या सेन साहब, अब हमेशा पेपर क्यों उड़ाया कर? सेन उड़ा नहीं करता, सेन तो उड़ती हुई चिड़िया का पर गिनता है। अभी तो आप टॉप फ्लोर पर पहुंच जाएगा। सेठ कार्टर रोड आ गया है। हाँ वो सामने रोको, हम अभी उतर जाएगा। अच्छा राजीव बाबू, कल सुबह हम बंगले पर फिर मिलता है, तुम साहब को आगे ले जाओ, हम यहाँ पर उतर जाता है। ऑल राइट, बाय बाय सर। पिताजी तो ठीक है ना? मुझे जलील करने के लिए तुम यहां तक आ पहुंचे, टैक्सी चलाने के लिए नहीं, यही एक शहर मिला था। मेरे टैक्सी चलाने से आपकी इज्जत या बेइज्जती से क्या लेने देना बड़े भैया? बकवास बंद करो, कोई जरूरत नहीं मुझे बड़े भैया कहने की। मुझमें दो ही बुरी आदतें हैं सेठ, एक दारू पीने की और दूसरी आपको बड़े भैया कहने की। यही रोको। कैसे बोलो? 50 रुपए। अरे सुनिए सेठ, ये बाकी के रुपए रख लो। सेठ मुझे मेरा हक चाहिए, ठीक नहीं? सुना तुमने सेठ? हुआ? अरे तुम कहाँ हो? जुग जुग जियो बेटा। अरे कोई तार कोई चिट्ठी लिखी होती तो कम से कम स्टेशन लेने तो पहुंच जाओ। इसीलिए नहीं लिखी, तुम नाहक परेशान हो जाते। अच्छा बाबूजी कैसे हैं? भगवान की दया से अच्छे हैं, सेहत बहुत अच्छी हो गई है। 2-2 लीटर दूध पिलवाती हूँ हर रोज, मलाई ऊपर से। बुआ उनको अकेले वहाँ छोड़कर आ गई। अरे बेटा मैं क्या करती, तुम्हारे बिना घर पागल कुत्ते की तरह काटने को दौड़ता है। तुम्हें मेरा आना अच्छा ना लगा हो तो शाम की गाड़ी से वापस चले जाऊंगी, मतलब तो तुम्हें एक बार देखने से था। कैसी बात करती है बुआ, अब यहाँ आई है तो 5-6 रोज आराम से रहे। फिर संजू मिला था आज। वो तो राहू की तरह चिपका है तुम्हारे साथ, काम क्या करता है? टैक्सी चलाता है। आ हा हा हा, खूब नाम रोशन किया खानदान का। तुम्हारे मालिक को तो पता नहीं चला और पता चलने भी नहीं देना। तुम फिक्र मत करो बेटा, भगवान की मूर्ति की स्थापना तो मैंने कर दी है, लो प्रसाद खाओ। ये क्या कर लो? नहीं बुआ, शकर बिल्कुल बंद है, शुगर बढ़ गई और फिर ब्लड प्रेशर भी परेशान करने। नहीं नहीं बेटा, वो डॉक्टरों से गलती हुई होगी, ये मनु शुगर की बीमारी हमारे खानदान में दूर दूर तक किसी को नहीं हुई। बुआ हमारे खानदान में दूर दूर तक किसी के पास पैसा भी नहीं था। मैं वहां धो लेता हूँ खाना। हेलो जी, हाँ मैं साहिर खान रामपुरी ही बोल रहा हूँ। हाँ सेठ जी, आपकी गाड़ी बिल्कुल तैयार है। संजू जरा रुक जाना। हाँ जी सर, मैं अभी भिजवा देता हूँ। आप अपने चौकीदार को कहिए कि कोठी का दरवाजा खुला रखे, गाड़ी आई समझिए ना। ओके संजू जी, सेठ गंगा प्रसाद की गाड़ी उनके बंगले पर पहुंचा दो, ये है उनका पता। ठीक है सेठ। जाओ। सेठ जी हैं? सेठ जी तो नहीं है, मैनेजर साहब हैं। अंदर आइए। यहाँ किस लिए आए?
गाड़ी लेके आया हूँ। ये सिर्फ गंगा प्रसाद की कोठी है जहां मैं काम करता हूं। मैं नहीं चाहता कि आइंदा कभी तुम इस घर में कदम रखो। मैं तो आज भी नहीं आता अगर मुझे मालूम होता कि आप यहां हैं। अरे संजू तुम यहाँ कैसे? जी गैरेज से गाड़ी लाया हूँ। संजू ये मिस राजीव है हमारे कंपनी के डायरेक्टर, और राजीव ये मिस संजीव है नई आवाज वाले आर्टिकल के हीरो। आप लोग बैठिए मैं जरा कपड़े बदल के आती हूँ। जाना नहीं है? रामू दो कप चाय ले आना। अच्छा जी। एक्सक्यूज मी। मुबारक हो आप इतनी जल्दी कंपनी के डायरेक्टर भी बन गए। तुम अर्चना को कैसे जानते? क्या मैं किसी ऐसे आदमी को जान ही नहीं सकता जिसे आप जानते हो? सेठ हम एक मामूली मिस्त्री हैं, जिसकी गाड़ी खराब हो जाए उससे मुलाकात हो ही जाती है। और अब कभी फिर तुम्हारी इनसे मुलाकात नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी इनसे मेरी शादी होने वाली है। शादी? तुम जिस माहौल और हैसियत में रह रहे हो मैं नहीं चाहता कि किसी को खबर भी हो कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है। जा सकते हो। संजू कहाँ है? संजीव चला गया। कह रहा था कि कुछ जरूरी काम है। तुम्हारी इनसे मुलाकात नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी इनसे मेरी शादी होने वाली है। क्योंकि बहुत जल्दी इनसे मेरी शादी होने वाली है। Thank you.
कसम फुटपाथ की। कुंदन की इज्जत बाजारी औरतों की तरह सबके सामने नहीं नाचे। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? अरे तेरा मन। अबे जा साले, पहले माहिन की खाड़ी में अपना मुंह धो ले। मुंसपाटे के कचरे का डब्बा बना हुआ है। बहुत बोलती है साले। छोड़ दे मुझे। इसे छोड़ दे कुंदन। तो फिर आ गया अपन दोनों के बीच में कसम फुटपाथ की। उस दिन तो अपन ने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज अपन तुझे किले की मापे की जमीन पे गाड़ कर हिसाब तेरा पूरा बराबर कर देगा। क्या अपना हिसाब फिर कभी चुका लेना? पहले से छोड़ दे। इसे छोड़ दे। क्यों छोड़ दूं? ये अपनी होने वाली बीवी है, इज्जत है बाप। अपनी इज्जत को भरे बाजार में कोई मारता नहीं, उसे बाजार ही नहीं कहते, समझा? तो क्या कहूं, आपकी माँ कहूं या आपकी बहन? कि आज आपको तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुंदन, सलाम सेठ। सलाम। पुलिस ने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया, हमें बहुत दुख है इसका। अपन लोखन का बनला सेठ, कसम फुटपाथ की। अपन को इन सलाखों के पीछे आने का कोई डर नहीं। अफसोस है तो इस बात का कि तुम्हारा अखा माल पकड़ा गया। जाने दो सेठ, अपन को लगता है कि तुम्हारा ही आदमी तुम्हारे साथ मुख बरी किया। उन्हें भी देख लूंगा मैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करूंगा, लेकिन तुम्हें किसी भी कीमत पर सजा नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। वादा इतनी करना सेठ, तो अपन के साथ ये वादा करो कि तुम अपन की बेला पर पूरा नजर रखेगा। बेला? सेठ कसम फुटपाथ की, बेला अपन का लव है, अपन का अखा लाइफ है। सेठ अपन से यह वादा करो कि बेला सिर्फ अपन की रहेगी। जागे? अब कैसे है डैड? मैं कब आया? जख्मी होने के बाद मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आई थी। मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? तुमने मेरी आबरू भी तो बचाई। चलो हिसाब बराबर हो गया। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ। चाय तो पीते जाओ। पी लूंगा कहीं। अभी तुम मुझसे नफरत करते हो ना?
उस घटिया शराब खाने में तुम्हें नाचते हुए देखकर मुझे बुरा जरूर लगा था। वो मेरी मजबूरी थी। मजबूरी? हाँ संजू, मेरे मामा अब इस दुनिया में नहीं है। क्या? तुम्हारे जाने के बाद जब मैंने मामा को बताया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने ही तुम्हें कमरे में बुलाया था, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उसी शाम जब वो तुम्हारे तलाश में निकली तो एक ट्रक के नीचे आ गए। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है बेला। मामा की स्वर्गवास होते ही बैगरे भी बंद हो गए। आखिर पेट की भूख तो बुझानी थी, नाचने का शौक था, उसी को जीवन का सहारा बना लिया। बेला, अगर मैं ये तुम्हारा बोझ उठा लूं तो तुम नाचना बंद कर दोगी? संजू। हाँ बेला, तुम्हारे मामा मेरे बुरे वक्त में काम आए थे। अगर मैं तुम्हारी कुछ भी मदद कर सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। बोलो बेला, मुझे ये मौका दोगी ना? अच्छा बेला, मैं चलता हूं। तो मेरे दिल की तरफ देखा ही नहीं, इसका दरवाजा तो कब का खुला था? और अर्चना? अर्चना, थोड़ी देर के लिए मैं उसकी दौलत के लालच में अपना प्यार भुला बैठा था, और फिर यह बात समझ में आई कि मोहब्बत दौलत से बड़ी होती है। सच? हाँ। अरे अर्चना, तुम खबरदार जो तुम अपनी गंदी जुबान पर मेरा नाम भी लाए। लोग ठीक कहते हैं कि इन बस्तियों में गंदी और बदबूदार आत्माएं पलती हैं। एक मैं ही नहीं मानती थी, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अरे यार, शुक्रिया अदा करो, डांटती क्यों? शट अप। थैंक यू यार। खबरदार जो तुमने मुझे यार कहा, तुम इस लायक भी नहीं कि कोई शरीफ लड़की तुम्हें जाने। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अच्छा बेला, मैं चलता हूँ। फिर कब आओगे? पता नहीं। पता नहीं, पर अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे अभी अभी जो कुछ भी मैंने कहा तुमसे नहीं कहा। क्या? हाँ बेला, मोहब्बत बार बार करने की चीज नहीं होती, और अपने हिस्से की मोहब्बत में कर चुका हूं। तो क्या तुम उसे नाटक कर रहे थे? हाँ, और नाटक खत्म हो गया, और इस नाटक में मेरी मदद करने का तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मगर मैं नाटक नहीं कर रही थी। सुना तुमने? मैं नाटक नहीं कर रही थी। मैं मिट्टी की कोई गुड़िया नहीं हूं। मेरे सीने में एक दिल है, मेरी आंखें सपने देखती हैं। अपने नाटक में मुझे दर्शित कर अपमान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। चले जाओ यहां से। ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, ना तुम्हारी दया की।
अरे संजू किसका खत है भाई? मेरे दोस्त का सेठ जी। तो इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है? बात यह है सेठ जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूना जाके देखाऊं। इजाजत कैसे, पहली गाड़ी से पूना चले जाओ। और ये लो 2000 रुपये हैं, और जरूरत पड़े तो मंगवा लेना। लेकिन सेठ जी इतनी बड़ी रकम मैं वापस कैसे दे पाऊंगा? अरे बरखुरदार, रुपये तो आते जाते रहेंगे, बाप चला गया तो वापस नहीं आएंगे। मेरे अब्बा मरहूम हम लोगों की गुर्बत की वजह से मर गए थे। जाओ जाकर बाप का इलाज करवाओ, जाओ। आओ आओ ताई मियां। ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई? बम्बई जा रहा हूँ। क्या कैसी रही हालत देखी अपनी? मैं कहने कितने सांसें बाकी रह गई हैं। संजू को देखे बगैर मर गया तो आत्मा भटकती रहेगी। लेकिन बम्बई जैसे भीड़ भड़कती वाले शहर में उसको ढूंढेगा कैसे? जाने क्या कर रहा होगा, कहाँ रह रहा होगा? नीरू से उसका पता मिल गया है ताई मियां। ये बारिश, ये तूफान, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मुझे मत रोको ताई मियां, गाड़ी छूट जाएगी, टिकट कट चुका है। मेरी समझ में नहीं आता। नहीं बेटे, मैं उस घर में मरना नहीं चाहता जहाँ से तुझे निकाला गया है। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कहिए। बेटे मैं तुझे मिलने बम्बई आ रहा था, क्या हुआ तू आ गया? अब मैं ट्रेन से तेरी गोद में बैठ सकूंगा? नहीं बाबूजी, बाबूजी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा बाबूजी। बेटे मेरा अंतिम संस्कार तू अपने हाथ से कर ले। नहीं बाबूजी, बाबूजी कल सुबह मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए वापस जाना पड़ेगा। चौथी तक तो रुक जाते बेटा। क्या फायदा? मेरे रुक जाने से बाबूजी वापस तो आ नहीं जाएंगे। फिर नया नया काम है, सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। बेकार किसी का क्यों खर्च किया जाए? ये भी ठीक है। और संजय तो है ही। बुआ जी के पास पैसे छोड़ दिए, बाबूजी के काज में खर्चे की परवाह मत करना। जिनके बेटे बहुत बड़े इंजीनियर नहीं होते बड़े भैया, उनका भी क्रियाकर्म हो ही जाता है। ऐसे मौके पर मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। वैसे थोड़े से पैसे मेरे पास भी हैं बड़े भैया, आप खर्चे की फिक्र न कीजिए। संजू, मेरा तुम्हारा रिश्ता बाबूजी के रहते तक था, आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। अरे राजीव, तुम पूना से कब आए? आज सुबह मीटिंग थी ना। तुम्हारे पिताजी के बारे में सुन के बड़ा दुख हुआ। इट्स रियली वेरी सैड। केवल यही एक सच्चाई है, मौत के बारे में इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये सब क्या, ऑफिस में आप फाइलों के बीच में ये सब? एक दिन ख्याल आया था कि बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा क्यों लिया था, तो ऑफिस आना शुरू कर दिया। वंडरफुल। लेकिन आपकी वो नई आवाज वाली नौकरी का क्या हुआ? छोड़ दी। उन गंदी गलियों में झूठ और बदबू के सिवा
और कुछ नहीं है। हाँ, एक सोशलिस्ट। आप तो बहुत जबरदस्त सोशलिस्ट थी। वो भी एक नशा था, उतर गया। मुबारक हो। आज से आप हमारी साथी हो गई। विश यू ऑल द गुड। थैंक यू वेरी मच। हाँ पुत्र, कितने पैसे हो गए? सराज साहब 20 रुपए। 20 रुपए? मैं तो खाम घर टैक्सी में आया, साइकिल पे आता तो अच्छा रहता। अब फड़ो, चलो सदानी जी छेती करो। हाय मेरा दुपट्टा इसमें। ओए हुंडे तनु, शर्म नहीं आती? तूने मेरी बीवी के दुपट्टे को हाथ लगाया? सरदार साहब मैंने कुछ नहीं किया, आपकी बीवी का दुपट्टा दरवाजे में फंस गया है। ओहो माफ करना, गलती हो गई। मेरी बूटी पागल है, नहीं करा। तू कहा चल, मैं तेरे को रात को ठीक करता हूँ। चल, शर्म नहीं आती? मेरी बेस्ती करवा दी? तुम्हारा सारा खानदान ही पागल है। मैं तो शादी करके पछता रहा हूँ, आज नरी न्यू करना हूँ। थैंक यू वेरी मच। आइए आइए, थैंक यू वेरी मच। चलिए आइए आइए। कांग्रेचुलेट। क्या हाल है सदा साहब? अरे ठीक ठाक है, खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती। सुधानी जी कड्डो, ओ दुल्हन का तोहफा, मेरा मतलब है हीरे का हार, तो अपनी अर्चना में सजा दो। हाय मैं मर गई। ओ मरे तरफ क्यों? मेरा मतलब है तेरा दुश्मन क्यों गया? हार कितना गया? टैक्सी से गया। किससे अपा हो गया? सरदार जी अब हाथ धो लीजिए। मैं हाथ धो के आया हूँ, नहाके भी आया हूँ। सरदार जी अब उस आदमी का क्या भरोसा, आपका हार बार बेच कर बैठा दारू पी रहा है। दारू जी नहीं, आपके हीरो का हार लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये लीजिए अपने हीरे गिन लीजिए। उए उए कमाल है, जूंदर है पुत्र, मेरे शेर पुत्र। फड़पना इनाम? जी नहीं मैं इनाम नहीं लूंगा। चल कोई गल नहीं। क्या बात है तल्लोचन सिंह जी? कुछ नहीं पापा जी, मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं इनाम देता हूँ लेता ही नहीं है। अरे संजू तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बेटा हाँ सेठ जी, अगर मैंने शादी की होती ना तो ऐसे ही बेटे का अरमान रखता, लाखों में एक ही लड़का मेरी टैक्सी चलाता है। अरे संजू आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। शबाना तुम इसे जानती हो क्या? जी अंकल, ये वही है जिसने हम सबकी जान बचाई थी। अच्छा अच्छा, वो पंच करने वाली बात। That's right. तुले मियां, एहसान मानिए आप इस मैकेनिक का, ये ना होते तो अर्चना ना मिली होती आपको। और अंकल आपको पता है ये गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं। Really? संजू मियां तो हो जाए कोई भड़कता तड़कता गीत। मैं गरीब टैक्सी ड्राइवर, इतनी बड़ी पार्टी में गाता हुआ बहुत बुरा लगूंगा। अरे मियाँ उस दिन तो आप बुरे नहीं लग रहे थे, शर्माइए मत, गा डालिए। अबे हमारी बेटी बगैर गाना सुनने नहीं मानेगी। हाँ बेटा गाओ गाओ, लोगों को पता तो चले कि अल्लाह के फजल से सारी गैरेज में कैसे कैसे फनकार पड़े हैं। राग डिस्को हो जाए, मजा आ गया, मैं अभी तोड़ा करूंगा। ये लीजिए। इस खुशी के मौके पर मैं आपको क्या सुनाऊं, हम गरीबों की खुशी बहुत छोटी होती होगी, हमारे मुस्कुराहट के चांद में हमारी फाका मस्ती का ग्रहण होता होगा। हम गरीब चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन हमारी खुशी में एक उदासी की लकीर जरूर होती है। क्या आप उस उदासी के समेत मेरा गाना सुनेंगे? हाँ जी सुनेंगे, जो मर्जी सुनाओ, जो धाई दा मिलन दा प्यार दा, मैंने म्यूजिक तो बड़ा शौक है। चलिए यही सही, यही गाना मिलन का भी है और यही गाना जुदाई का भी। किसी की बेवफाई का सबब बन जाया करती है, किसी की बेवफाई का सबब बन जाया करती है। मोहब्बत ही जुदाई का, मोहब्बत ही जुदाई का सबब बन जाया करती है, किसी की बेवफाई का सबब
किसी की बेवफाई का सबब बन जाया करती है। खोलो बेला। क्या है? दरवाजा खोलो बेला। तुम यहाँ क्यों आए हो? अपना गम बांटने। दरवाजा खोलो बेला। क्यों दरवाजा नहीं खोलेगा? नहीं खोलेगा। दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। बेला दरवाजा खोलो। यहाँ क्यों आए हो? उस दिन तुमने मुझे रोका था और मैं नहीं रुका, और आज देखो ना, मैं खुद तुम्हारे पास चला आया हूँ। लेकिन आज मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। पता है, अब इस दुनिया में मेरी किसी को कोई जरूरत नहीं, ना तुम्हें ना उसे। सब पराए हो चुके हैं, मैं अकेला रह गया हूं, बिल्कुल तन्हा और टूटा हुआ। क्या अब भी तुम मुझे ठुकरा दोगी? दो दिन की जान पहचान से कोई अपना नहीं हो जाता। उस दिन के अपमान को भूल गए जब तुम मेरे सपना को रोंद कर चले गए थे। मेरा तुम्हारे रिश्ता ही क्या था? तुम ठीक कहती हो बेला, मेरा और तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? उस दिन मैंने तुम्हारा अपमान किया, इसलिए आज मुझे तुमसे शर्म मांगने का कोई अधिकार नहीं। मैं जा रहा हूं बेला, फिर कभी ना आने का वादा करके। संजू, तुम दारू पीना छोड़ के नहीं देते। इसे कैसे छोड़ दूं बेला, यही तो एक सहारा है जीने का। संजू, मेरे प्यार को जीने का सहारा बना लो संजू। हाँ संजू, विश्वास करो, मैंने भी जीवन में एक बार प्यार किया है, सिर्फ एक बार।
एवरी ड्रिंक कम ऑन कोई भी पकड़ से सब लोग आ जाओ सामने अपने अपने कम ऑन कम ऑन मम्मी यस तुम भी पियो कम ऑन लेट्स ऑल गो फॉरवर्ड यार बहुत मजा आ रहा है कोई बात नहीं नजर आएगा थोड़ी बात क्यों 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 नहीं पीते तुम कम ऑन पियो ना तबीयत तो ठीक है ना बेटा कुछ नहीं बुआ बहुत घबराहट से हो रही शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा तुम दुल्हन को लेके कमरे में चलो मैं तुम्हारे लिए दवा लाती हूँ ओके दाऊद बाय सानी अरे भाई चले कहाँ ऐसी भी क्या चलती है भाभी आज यूं नहीं जा सकती हाय मिया सुहागरात के दिन हमारी सहेली पैदल तो नहीं जाएगी हाँ गोद में उठा कर ले जाएगी जीजा जी सब बात है घबराते क्यों हो भाई भाभी तो फूलों जैसी है अगर तुमसे नहीं उठाई जा सकती तो पैर किसके लिए है चलो भाई राजू कैसा है डॉक्टर साहब अब ठीक है रशीद कोई खतरे की बात तो नहीं है नहीं बट इट वाज एन इंटेंसिव स्ट्रोक अंकल क्या मैं उन्हें देख सकती हूँ अभी नहीं बेटा अभी वो होश में नहीं है फिर प्रॉपर चेकअप के लिए उसे अस्पताल में रहना पड़ेगा मगर अंकल घबराओ नहीं सब ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब वो दिवाली तक घर आ जाएगा ना अल्लाह पे भरोसा रखो पसंद है पर साड़ी पर इतना पैसा खर्च करने को किसने कहा था तुम्हारे नसीब में आज खुशी का दिन है और खान साहब ने मेरी पगार भी डबल कर दी मेरी कसम तुम्हारी कसम लो मुंह मीठा कर लो आ, आ, आ। लाओ खिलाओ खिलाओ लो खाओ इतने प्यार से मत खिलाओ प्यार प्यार किसे कहते हैं बताओ कहते हैं प्यार किसे कहते हैं जो हमने किया तुमसे जो तुमने किया हमसे प्यार इसे कहते हैं प्यार इसे कहते
रुके दिल किसी बांध से, दीवारे फाद के ये दरिया बहते हैं। किसे कहते हैं जो हमने किया तुमसे, जो तुमने किया हमसे, प्यार से कहते हैं। हंस हंस के किस लिए सारे जहान के लाख सितम सहते हैं। क्या हुआ मौसी, ये बेहोश क्यों हो गई? पेट में बच्चा लेके फटकेगी तो बेहोश नहीं होगी तो क्या होगा? क्या हॉल वाला कुबत, क्या जमाना आ गया है। शादी हुई नहीं और बच्चा होने वाला है। मामा के मरते ही ये गुल खिलाया इसने। छी छी छी, ये पाप की गठरी यहाँ नहीं रह सकती। अरे देखते क्या हो, निकाल बाहर करो इसको इस बस्ती से। कौन निकालेगा इसे इस बस्ती से? हाँ, ये लावारिस नहीं है, मैं ही इसका वारिस हूं, इसका पति। और ये मेरी पत्नी है चाचा। There has to be something that we can... Uncle Ji! I'm sorry. क्या हुआ रशीद? उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी। नहीं, नहीं अंकल। नहीं, इसका कोई तो इलाज होगा डॉक्टर साहब? हाँ है, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट, लेकिन इस उम्र में ट्रांसप्लांट ही बेहतर रहेगा। डॉक्टर साहब, रुपए पैसे की परवाह मत कीजिए, दुनिया के किसी कोने में इसका इलाज हो सकता है, ले चलिए। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है डॉक्टर साहब। बात रुपए पैसे की नहीं, बात किडनी की है गंगा प्रसाद, और किडनी बेस्ट मैचिंग होना चाहिए, अब वो सिर्फ भाई बहन या माँ बाप का होता है। मैं क्या हूँ, भले दूध नहीं पिलाया लेकिन अपने बेटे की तरह पाला है उसे, मैं अपना गुर्दा देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, आप उसकी बुआ है ना, आपकी किडनी मैच हो सकती है, लेकिन ये फैसला तो टेस्ट के बाद ही मुनासिब होगा। वो तो करा लूंगी डॉक्टर साहब, लेकिन उसकी एक छोटी बहन अमेरिका में रहती है, अगर वो अपना गुर्दा देने को तैयार हो जाए तो रिस्क बहुत ही कम रहेगा। गंगा प्रसाद, तुम उसे कॉन्टेक्ट करके फौरन बुलवा लो। हरे कृष्ण, हे भगवान, तुमने सदा मुझ पर दया की दृष्टि रखी है, बस एक दया और कर दो, कोई ऐसा उपाय करो कि राजू के खून के साथ मेरा खून मेल न खाने पाए। बुआ, ओ बुआ, हे भगवान, मुरली वाले, मेरी जान ले लो, राजू को जीवन दान दे दो, राजू को जीवन दान दे दो। बुआ, भगवान ने आपकी सुन ली। क्या, पाल के आने की खबर आ गई? धन्यवाद भगवान। पाल तो आ नहीं सकती, उसे बच्चा होने वाला है, लेकिन आपका ब्लड ग्रुप मैच कर गया, एक दो टेस्ट और होंगे उसके बाद ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा वो मैं चलती हूँ। इस उम्र में ऑपरेशन कराने से तुम नहीं बचोगी कलावती, राजू तुम्हारा कौन होता है, तुम अपना गुद्दा उसे क्यों दोगी? भाग जाओ कलावती, भाग जाओ, फौरन भाग जाओ यहाँ से। मिस्टर राजीव, नथिंग टू वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट।
नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर। How are we? Better, much better. शुरू के 2-3 महीने डायलिसिस कराने के बाद ऐसा लगता था कि इसी मशीन के सहारे जीना है, इससे मौत क्या बुरी है। लेकिन पिछले 7 महीने में आदत पड़ गई। कुछ दिनों में इस मशीन से भी छुटकारा मिल जाएगा। बेचारी बुआ यहाँ आने को तड़प रही है, लेकिन उनको जुकाम है ना, इसलिए मैं उनको लाई नहीं। You are lying. डॉक्टर साहब ने मुझे सब बता दिया। बुआ यहाँ से भाग गई। तो क्या हुआ, दुनिया में वो एक अकेली नहीं है जिसकी किडनी मैच करती हो। डैडी ने तमाम अखबारों में इश्तिहार दे दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कोई ना कोई मैच तो जरूर मिलेगा। दिल के बहलाने को गाले भी ये ख्याल अच्छा है। अरे हमें अपने मरने की चिंता नहीं, हम मर गए तो मर गए, हमारी मौत तुम्हारे साथ जो अन्याय करेगी उसका क्या इलाज। ये तुम क्या कह रहे हो राजीव? क्यों, ठीक नहीं कह रहा हूं? अभी तो तुम्हें सुहागन होने की आदत भी नहीं पड़ी थी कि अर्चना, कई दिनों से मैं एक बात सोच रहा हूं और एक नतीजे पर आया हूं, तुम्हें इस रिश्ते से मुक्त कर दूंगा। सुन, मैं नहीं चाहता कि सांस लेती हुई लाश का बोझ उठाए उठाए तुम। राजीव, देखो अगर मुझ में चलने फिरने की ताकत होती ना तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लाता। राजीव, लेकिन अब तो तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। जिम्मेदारी का काम तुम्हें करना होगा। मैं नहीं चाहता कि एक पल भी विधवा रहो। अर्चना, हो सके तो मेरे मरने से पहले शादी कर लो। बस करो राजीव, बस करो। हमने शादी का नाटक नहीं किया था। अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होने की कसम खाई थी। कसम अगर दिल से ज्यादा मजबूत हो तो वो कसम क्या। आइंदा ऐसी बात कभी मत करना राजीव, कभी मत करना। अरे अर्चना जी, आप यहाँ हॉस्पिटल में? मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? उन्हें तुम्हारी नजर लग गई। मिलने का टाइम नहीं है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे मालूम है सिस्टर, इन साहब को क्या बीमारी? इनकी दोनों किडनी फेल हो गई है। किडनी? ये ठीक तो हो जाएंगे ना सिस्टर? ये तो ऊपर वाला ही जाने, अगर कोई डोनर मिल गया तो इनकी किडनी ट्रांसप्लांट करने से ये बच सकते हैं, वरना मुश्किल। इस बेचारे का तो कोई भी नहीं है, न माँ न बाप न भाई न बहन। एक्सक्यूज मी, अगर कोई डोनर मिल गया तो इनकी किडनी ट्रांसप्लांट करने से ये बच सकते हैं, वरना मुश्किल।
इस बेचारे का तो कोई भी नहीं, न माँ न बाप न भाई न बहन। भाई कमाल है, तुम्हारा खून राजीव के खून से ऐसे मिल गया जैसे सगे भाइयों का मिलता है। अब तो वो बच जाएंगे ना डॉक्टर साहब? बचेगा क्यों नहीं, देखो हम तुम्हारी एक किडनी ऑपरेशन करके राजीव के जिस्म में ट्रांसप्लांट कर देंगे, उसके बाद तो उसे बचना ही पड़ेगा। क्या आदमी एक किडनी से जिंदा रह सकता है डॉक्टर साहब? यही तो लोगों की गलतफहमी है, भगवान ने आदमी को दो किडनी दी है, मगर आदमी एक किडनी से भी बड़े मजे में जिंदा रह सकता है, मगर शर्त यह है कि डोनर और पेशेंट की किडनी मैच करनी चाहिए, जिस तरह तुम्हारी किडनी मैच कर गई। लीजिए इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए, ये लीजिए। काश तुम्हारी तरह और लोग भी किडनी डोनेट करें, कितने लोगों की जान बच सकती है। लेकिन मेरी एक शर्त है डॉक्टर साहब। शर्त? किसी को यह पता ना चले कि किडनी मैंने दी है। क्यों? ये मेरा निजी मामला है डॉक्टर साहब। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। थैंक यू डॉक्टर। आप? शादी मुबारक हो। शुक्रिया, पर इसके लिए आपने इस गंदी बस्ती में आने की तकलीफ क्यों की? यहाँ तो गंदी और बदबूदार आत्माएं पलती हैं ना। ऐसी बातें कहकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। अरे मैं तो आप ही की बात दोहरा रहा था, आपने ठीक ही कहा था, हम गंदी बस्ती वाले लोग वाकई। बिल्कुल गलत कहा था मैंने, जिस बस्ती में तुम जैसा देवता रहता हो वो बुरी नहीं हो सकती। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं देवता हूं। हाँ तुम देवता से भी बढ़कर हो, देवता किसी की जान बचाने के लिए अपना कोई अंग नहीं देते, वो सिर्फ वरदान देते हैं, जीवन दान नहीं देते। और तुम तो मेरा सुहाग बचाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो। आप फिर मुझे गलत समझ, ना तो मुझे आप में दिलचस्पी है ना आपके पति में, मुझे सिर्फ उन 1,00,000 रुपयों में दिलचस्पी है जो मुझे आपके पति को अपनी एक किडनी देने पर मिलने वाले हैं। जब आदमी एक किडनी पर जिंदा रह सकता है तो फिर दूसरे का सौदा क्यों रखिए जाए। तुम कौन होते हो किसी के पति की जान बचाने के लिए मेरे पति का गुर्दा बेचने वाले? मेरा? ना मुझे अच्छा घर चाहिए, ना मुझे ऐसे सुखी जीवन जिसके लिए मेरे सुहाग को अपनी जान खतरे में डालनी पड़ी। और तुम तो बड़ी बेशर्म निकली, उस दिन इतना जलील करने के बाद आज फिर चली आई। बेला, तुम इसके सुहाग पर मेरे सुहाग को बलि नहीं चढ़ा सकती। मैं इस औरत को आपकी कोई चीज नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ इस घर से। ये तुमने क्या किया बेला? अपने सौतर को अपने घर से निकाल दिया। वो तुम्हारी सौतन नहीं, मेरी भाभी है, मेरे सगे भाई की पत्नी है।
मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब रहा। आपके पति खतरे से बाहर हैं और डोनर भी सही सलामत हैं। थैंक यू। आइए। मुबारक हो। मुबारक किस बात की? मुबारक इस बात की कि डॉक्टर साहब ने अभी अभी ये बताया कि नाउ यू आर एब्सोल्युटली ऑल राइट। तो फिर हम घर कब जाएंगे? 3-4 दिन में। वो हमारा पार्टनर तो अच्छा है ना? पार्टनर? हाँ। कौन? वही जिसने अपनी एक किडनी देकर हमारी जान बचाई। अच्छा है ना? पता नहीं, उसके कमरे में जाने या किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। तुम एक काम करो, ये फूल तुम मेरी तरफ से उसे भिजवा दो। ठीक है, भिजवा देती हूँ। एक्सक्यूज मी सिस्टर, वो जो पेशेंट यहाँ तो कल शाम को ही चले गए। लेकिन वो तो आज डिस्चार्ज होने वाले थे ना? हाँ, पर उस बेचारी की बीवी सीढ़ियों से फिसल गई। बड़े भाई आप कैसे हैं? ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम कैसी हो? ज्यादा चोट नहीं आई, बाकी सब खैरियत है। पर तुमने इतना बड़ा ऑपरेशन करवाया है, तुम्हें तो नहीं आना चाहिए था। अरे आता कैसे नहीं, तुम इस गड़बड़ में कहीं बेटा बदल कर बेटी रख देती। हाँ तो मैं क्या करता? मैं तो है ही बदलूंगी क्या, जब तुम नहीं होते हो खूब बातें करती हूँ उनसे, पटर पटर बोलता है। सच? एक्सक्यूज मी, अब आप इन्हें आराम करने दीजिए। ओके सर, अब मैं जाऊं। कुछ चाहिए तो नहीं? क्या तो? क्या सोच रहे हो? लेटे लेटे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोच रहा था। एक एक बात याद आ रही है, समझ में आ रही है। पिछली जिंदगी तो बीत चुकी है, अब उस पर क्या सोचना? अतीत मरता नहीं अर्चना, वर्तमान में जिंदा रहता है। बीते हुए कल का एहसास हमेशा होता है। मुझे एक सवाल हर पल कचोटता रहेगा, अगर कल किसी को एक किडनी की जरूरत होती तो क्या मैं देता? शायद नहीं, क्योंकि मेरे अंदर में इंसान नहीं था। ना जाने ये इंसान किस मिट्टी का बना हुआ था, अपनी किडनी देकर चुपचाप चला गया। कोई तो वजह जरूर होगी जो उसने ऐसा किया है। ऐसी कौन सी वजह होगी? देखो अर्ची, उसने पैसे भी नहीं लिए, अस्पताल को डोनेट करके चला गया, अपना पता भी नहीं छोड़ा। नहीं बोलो, तुम्हें मालूम है? बोलो ना अर्चना, उसने मुझे नई जिंदगी दी है, वो मेरे लिए भगवान है। मुझे उस देवता के दर्शन करा दो, प्लीज मुझे उससे मिलवा दो, मुझे उसके पास ले चलो। हाँ ठीक है, मिलवा दूंगी।
क्या बात है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, तुम्हारे बच्चे को तुमने बचा लिया, लेकिन उसकी माँ को हम नहीं बचा सकते। हौसला रखो। पार्टनर, तुम्हारे जेल से बाहर आने की खुशी में हमने तुम्हारे लिए एक डबल बेडरूम का फ्लैट लिया है, जहाँ तुम आयशो आराम से जिंदगी बसर कर सकते हो। आराम तो अपन को तभी मिलेगा सेठ, जब उस फ्लैट में बेला रहने को आ जाएगी। गोली मार यार उस बेला को, हमने तुम्हारे लिए एक से एक हसीन लड़कियां ढूंढ रखी है। लेकिन अपन को बेलायची चाहिए सेठ। सेठ, अपन ने इज्जत का जिंदगी गुजारने का फैसला किया है। गुंडागर्दी, दारू स्मगलिंग अपन सब छोड़ देगा। कसम फुटपाथ की सेठ, अपन इतना धूमधाम से बारात लेकर बेला को ब्याहने के लिए जाएगा कि अखा झोपर पट्टी तमाशा देखते का देखता रह जाएगा। झोपर पट्टी का सेठ, अखा दुनिया तमाशा देखेगा। भगवान भी ऊपर से बोलेगा, देखो कुंदन का सच्चा प्यार। सच्चा प्यार? कुंदन, मेरे ख्याल से तुम बेला को भूल जाओ तो ही अच्छा है। सेठ, अपुन का लाइफ को भूल जाओ, अपुन का जिंदगी को भूल जाओ। वैसे भी पार्टनर, उसने शादी कर ली। हाँ, उसी लड़के के साथ जिसके साथ तुम्हारी खटपट हुई थी, और मैंने ये भी सुना है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। कहते कि तुम मस्करी कर रहा है सेठ। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, बेला ने शादी कर ली। हाँ, वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और तुमने कुछ नहीं किया? मैंने किया वास्ते आप उनका जिंदगी का एक साल खलास कर डाला, लेकिन तुमने मुझको खलास कर दिया सेठ। अब हम सेठ तुझको खलास कर डालेगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा सेठ। अरे, आप कहाँ चलेंगे? मैं ऐसे यहीं ले आती हूँ। प्यासा कुएं के पास जाता है अर्चना, और भक्त भगवान के पास। और अगर भक्त की तबीयत ठीक ना हो तो कभी कभार भगवान भी भक्त के पास आ जाते हैं। आप यहीं ठहरे, मैं अभी से ले आती हूँ। संजू, संजू, Sanjay!
अपन संजू का फ्रेंड होता। वो यहाँ नहीं है क्या? अपन कौन? जी मैं तो कोई नहीं होती मगर। समझ गया, सब समझ गया। लेकिन अपन अब तुमको क्या समझाए? जब से अपन का बीड़ू का बीवी गुजर गया वो दिन रात दारू पीकर इधर उधर पड़ेला होता। क्या बेला? मर गए और हम सबको मार कर चले गए। लेकिन अपन और तुम्हारे रोने से क्या होगा? जो गुजर गई वो गुजर गई और जो नहीं गुजरी वो अब गुजर जाएगी। लेकिन तुमको अपन के बीड़ू को समझाना चाहिए ना। पर वो है कहाँ? बाजू के रेलवे यार्ड में दारू पी के पड़ेला होता। चलो अपन तुमको उसके पास ले जाता है। चलो आओ आओ। उस डब्बे में बाय। उसे नहीं बोलना कि अपन तुम्हें इधर लेकर आया। साला फालतू में लफड़ा करेगा। संजू नहीं, संजू का बाप होता आपन कुंदन। क्या? नहीं नहीं क्या? मुझे कमीने जाने दो, मुझे जाने दो। देखिए कुंदन जी, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा? भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। जाने दो। उस साले ने आपन से आज अपन उससे तुझको लेगा। पूछ रही थी। कहाँ है वो? रेलवे यार्ड की तरफ गई है कुंदन के साथ। कुंदन? कसम फुटपाथ की आज अपन तुझे कुत्ते की मौत मारेगा। Thank you.
राजीव, राजीव क्या हुआ? जल्दी चलो, नहीं तो मुझे नालों से मार डालेगा। कौन? चलो ना। फुटपाथ के तो बनवाती, जब से अपुन की बस्ती में आया है अपुन को बर्बाद कर डाला, अपुन की बेला छीन कर अपुन को लवारिस कर दिया। खबरदार कुत्ते, जो उस पवित्र नाम को अपनी गंदी जुबान पे लाया, नहीं तो देवता मेरा छोटा भाई है। क्या? आपका छोटा भाई? हाँ जी, मेरा छोटा भाई संजू, तुम्हारा देवर, तुम्हारा देवर जी। अरे भैया संजू, अरे भैया, मैं अब तो आपको बड़े भैया कह सकता हूँ ना बड़े भैया? मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। बड़े भैया, तू छोटा होके कितना बड़ा निकला है, कितना महान। नहीं बड़े भैया, मुझे बोलने दे संजू, मुझे कहने दे। अच्छी, मेरे इस छोटे भाई ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं त्यागा, अपना घर तक छोड़ दिया, यहां तक कि इस बस्ती में आकर मैं किसी को जाहिर तक नहीं होने दिया कि मैं बदकिस्मत इसका भाई हूं। संजू, 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 ये क्या, ये क्या हुआ? खून? संजू, ये क्या किया तूने? मैंने तो उसे मार डाला, लेकिन उसने मुझे भी। अरे संजू, अच्छा जल्दी से गाड़ी लेकर आओ, इसे अस्पताल लेकर चले। नहीं बड़े भैया, अब मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, मैं सीधा पिताजी के पास जा रहा हूँ। नहीं संजू, ऐसा मत बोल मेरे भाई, ऐसा मत बोल, तो मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता, जल्दी से गाड़ी लेकर आओ। भाभी, मुझे छोड़ के ना जाओ भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि। संजू, ये आपने क्या कर दिया भाभी? अपनी चुनरी मेरे खून से रंग डाली। खैर कोई बात नहीं, आखिर ये खून मुंह दिखला ही तो हो गया। बड़े भैया, नानावती हॉस्पिटल में मेरा एक बच्चा है, पिता की आखिरी निशानी, उसे किसी अनाथालय में। संजू मेरे भाई, अरे पगले, मेरा घर क्या अनाथालय से बुरा है? तेरा बेटा मेरे घर का चराग होगा,
मेरा बेटा है, वो हमारा है। हाँ संजू, हमारा। वो छोटा संजीव होगा, उसे ढेर सारा प्यार दूंगा, जिस पर तेरा अब था, जो तुझे कभी नहीं मिला। मैंने तेरे साथ बड़ा अन्याय किया, मैंने अपने भाई को नहीं पहचाना। आप ही ने तो मुझे पहचाना है बड़े भैया, मैं तो आवारा हूं ही, तभी तो कहीं नहीं टिकता। आज यहां तो कर, 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 क